हमने आपको जिस मॉल का सीसीटीवी फुटेज दिखाया है वो कोई आम फुटेज नहीं है, और ना ही सीसीटीवी में कपड़े चोरी करते दिख रही महिला आम है। ये महिला है न्यूजीलैंड की एक सांसद गोलरीज गर्मन। उन पर बुटीक्स और बड़े बड़े शोरूम्स में चोरी करने का आरोप लगा है। उनके इस कारनामे का मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर में ऐसा क्या है जो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जिस तरह की चोरी का आरोप सांसद पर लगा है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। न करोड़ों की न लाखों की, बस कपड़ों की चोरी, लेकिन आरोप तो आरोप है। इस बवाल के बाद गोलरीज ने इस्तीफा देते हुए कहा, एक नेता के तौर पर मैं लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पाई, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गोलरीज गर्मन पर कपड़े के बुटीक में चोरी करने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने ऑकलैंड लग्जरी क्लोथिंग स्टोर और वेलिंगटन हाई एंड क्लोथ्स के कपड़े चुरा लिए। ये चोरियां दिसंबर 2023 के आखिर में हुई। पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। गोलरीज गर्मन ने अपने ऊपर लगे चोरी के आरोपों पर जवाब दिया है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं तो उन्हें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। गर्मन ने एक बयान में कहा, राजनीति के काम से जुड़े तनाव के कारण मैं कुछ ऐसे काम करने लगी जो पूरी तरह से मेरे चरित्र से परे हैं। मैं अपनी हरकतों के लिए बहाना नहीं बना रही हूं, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि राजनीति के काम से मिलने वाले स्ट्रेस ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आदत सी है, मैं मजबूर हूं। गोलरीज गर्मन ने आगे कहा कि उन्होंने बहुत लोगों को निराश किया है और उन्हें इस बात का बहुत दुख है। ये किसी भी तरह से ठीक बात नहीं है। गर्मन के मुताबिक अब वो इस बारे में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से भी सलाह ले रही हैं। एक्सपर्ट से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। गोलरीज के मुताबिक अब वो पहले अपनी मेंटल हेल्थ सही करेंगी और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आइए बात करते हैं गोलरीज से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर। गोलरीज जब न्यूजीलैंड में सांसद बनी थी तो दुनिया भर में उनकी तारीफ हुई थी। इसकी वजह उनका एक शरणार्थी यानी रेफ्यूजी होना था। वो न्यूजीलैंड की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली शरणार्थी सांसद थी। गर्मन न्यूजीलैंड की ग्रीन पार्टी से संसद पहुंची थी। वो अपनी पार्टी की कानून से जुड़ी मामलों में प्रवक्ता भी हैं। ईरान में जन्मी 42 वर्षीय गोलरीज बचपन में अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड चले आई थी। तब उन्हें शरणार्थी के रूप में राजनीतिक शरण दी गई थी। कानून की पढ़ाई करने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स की वकील बन गई। 2017 में सांसद बनने से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्रिब्यूनल में भी काम किया था। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए दिल्ली लाइन टॉप। शुक्रिया।